अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है आप सबके? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और अब भी हो चुकी है सुबह, और चलते हैं जी फेस वॉश करके किचन में। और ये आ गई मैं किचन में, मैंने अपना स्टोव ऑन कर दिया है। और चलें जी टेम्परेचर सेट करते हैं और नाश्ते की करते हैं तैयारी। इससे पहले मैंने बच्चों को सीरियल खिला दिया है, लेकिन ये कि मेरे बच्चे जो हैं वो पराठा खाए बगैर नहीं रह सकते, तो सीरियल उन्होंने खा लिया कभी इस तरह। आजकल क्योंकि हाफ टर्म चल रहा है तो उठते ही कभी मिल्क पी लेते हैं, कभी सीरियल खा लेते हैं, और फिर साथ ही मैं नाश्ते की तैयारी, बाकी पराठा वगैरह बनाने की तैयारी शुरू कर देती हूँ। और ये देखे पराठे बना बना के मेरे तवे का हाल देखे। मैं इससे पहले चेंज कर चुकी हूँ तवा, और ये कि डेली बनते हैं पराठे, तो जितना इसको क्लीन कर लो इसका हाल फिर वही हो जाता है। तो चलें जी बाहर दिखाती हूँ आपको वेदर कितना अच्छा हो रहा है। ठंड है बहुत ज़्यादा बाहर, तो अंदर तो हीटिंग वगैरह ऑन है, लेकिन बाहर ये कि ठंड है काफ़ी ज़्यादा, बारिश हो रही है, तो काफ़ी प्यारा सा मौसम है। और इधर तो खैर ऐसा ही मौसम रहता है। तो चलें जी चाय बनाने की तैयारी हो रही है साथ साथ। और ये मैंने ऊपर पानी बॉयल होना रख दिया था, इसके अंदर मैंने 2 जो है वो टी बैग्स डाल दिए, क्योंकि पता नहीं क्या हो गया है मुझे। पहले मैं इतनी ऐसे वाइट वाइट मेरी चाय हुआ करती थी, और अब जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं शायद थकावट होती है बच्चों के साथ या क्या, तो स्ट्रॉन्ग चाय पीने का दिल करता है। तो उसके साथ मैंने ब्राउन शुगर ऐड कर दी थी, और ये मिल्क ऐड करके अब मैं साथ इसका चूल्हा स्लो कर देती हूँ, और साथ साथ बनाती हूँ बच्चों के पराठे। हस्बैंड तो अभी बाहर गए हुए हैं, वो थोड़ा बाद में ही नाश्ता करेंगे, तो बच्चों के पराठे बनाने की मैं तैयारी कर रही हूँ। और ये बनाते हैं जी पराठा। आप सुनाएं आप क्या नाश्ता कर रहे हैं आज, या आपके बच्चे क्या खाते हैं डेली, क्या पसंद करते हैं। तो ये जी हो गया पराठा रेडी हो गया, ये बेल लिया मैंने, और अब इसको थोड़ा सा सेट करके डालती हूँ मैं तवे पे। और ये देखें ये छोटा सा क्यूट सा पराठा हो गया रेडी, और इसको डालती हूँ मैं तवे पे। ये इसको मैंने तवे पे डाल दिया। बच्चों के पराठे में कभी वो इस तरह लच्छे वाला बनाती हूँ तो वो अंदर घी लगता है, ऊपर तो फिर उसको रोल करते हैं या कट करते हैं, तो ये इसके अंदर मैं काफ़ी सारा इस तरह उनको बटर लगा देती हूँ। तो बटर लगाने के बाद ये ऊपर मैं ऑयल डाल दूँगी, कभी इस तरह देसी घी डाल देती हूँ, कभी बटर लगा देती हूँ ऊपर भी, कभी ऑलिव ऑयल डाल देती हूँ, तो कभी नॉर्मल जो होता है ऑयल वो डालती हूँ। तो ये इस तरह ऑयल डालने के बाद साइड चेंज कर दी, और साथ साथ जी बन रही है मेरी चाय। आप लोग बताइए आप नाश्ते में क्या पसंद करते हैं, या आपको चाय कैसी पसंद है, स्ट्रॉन्ग पसंद है, लाइट पसंद है, किस तरह की टी आप लोग लाइक करते हो। तो चले जी ये पराठा ऑलमोस्ट रेडी होने को है, इसकी साइड चेंज हो गई है, एक साइड से थोड़ा सा ये अभी पकने वाला रहता है, तो उसको मैं इस तरह टोंग से पकड़ के तो मैं फोल्ड करके ये इस साइड से भी इसको थोड़ा और कुक कर लूँगी, तो उसके बाद जी हो जाएगा मज़ेदार सा पराठा रेडी। और ये देखें जी ये यहाँ से भी कुक हो के इस तरह से हो गया, तो अब ये बाहर वाली साइड से इस तरह जो हल्का फुल्का इसका रह गया है वो कर लेती हूँ, क्योंकि चूल्हा मैंने बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखा हुआ, नॉर्मल ही रखा हुआ है, इसलिए थोड़ा टाइम ले रहा है। और ये हो गया जी पराठा रेडी, और साथ दूसरे भी रेडी करके। तो चले ये हो जाती है, यहाँ से करती हूँ मैं क्लीनिंग कर देती हूँ, क्योंकि इस तरह गन छोड़ के तो नाश्ता करने का दिल नहीं करता। तो साथ साथ ये यहाँ से क्लीनिंग करने के बाद चाय ऑलमोस्ट मेरी पक चुकी है, और अब मैं इसको डालती हूँ कप में। और ये देखें जी इस तरह मैं अपनी चाय डाल रही हूँ अपने कप के अंदर, और दिखाती हूँ आपको मैं अपनी मज़ेदार सी चाय कैसी रेडी हुई है। आज ऐसे ही थकावट हो रही थी, कल बेटी की बर्थडे थी तो उसके लिए तैयारियों में लगी रही सारा दिन, तो इसलिए फिर थोड़ी स्ट्रॉन्ग चाय पीने का दिल कर रहा था। और ये हो गई मेरी मज़ेदार सी चाय रेडी। और उसके बाद जी मैं आपको दिखाती हूँ अभी, क्योंकि न्यू शिफ्ट हुई हूँ अपने इस घर में, तो काफ़ी सेटिंग वगैरह करने वाली रहती है, तो वो भी काम साथ साथ चलता रहता है,
तो ये हो गए जी। साथ में मैं अपने लिए स्लाइस गरम कर लेती हूँ और बाहर मैं आपको दिखाती हूँ। ये ऑटम का देखें कितने प्यारे इस तरह येलो लीव्स गिरे हुए हैं। ये घर की एक विंडो से इस तरह रोड का व्यू नज़र आता है। माशाल्लाह से हर विंडो से काफ़ी अच्छे अच्छे व्यूज़ नज़र आते हैं। तो ये जो मेन विंडो है लाउंज की, इसमें से ये बाहर इस तरह रोड नज़र आ रहा है। और ये देखें ऊपर उधर लीव्स देखें आप कितने अच्छे लग रहे हैं। और ये कल मैं अपनी बेटी के बर्थडे हमने छोटा सा सेलिब्रेट किया, छोटा सा किया था क्योंकि अभी घर की काफ़ी ज़्यादा सेटिंग रहती है, काफ़ी जो है सामान वो अनपैक करने वाला रहता है, इसलिए हमने कहा चलो छोटा सा सेलिब्रेशन इस तरह से कर लेते हैं। माशाल्लाह से फर्स्ट बर्थडे था उसका, काफ़ी अच्छा रहा, बहुत इंजॉय किया बच्चों ने। और ये उसकी सिस्टर्स ने, ये दोनों ने इस तरह कार्ड्स वगैरह लिख के रखे, तो बहुत इंजॉय किया हमने। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हो गया। दुआओं में याद रखिएगा आप उसको और हम सबको। होपफुली मेरा ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह आगे और अच्छा अच्छा कंटेंट लेके आती रहूँगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।